So guys, now Rohit is taking risks to check this ride because मुझे मैं नहीं ले सकती ये झूला, मुझे डर लगता है. तो अभी देखते हैं क्या हाल होने वाला है रोहित का. Meanwhile, we are here. यहाँ पे हैं, वेट कर रहे हैं एंड वी विल मेक वीडियो फॉर रोहित. ऑलरेडी पौने दो हो चुके हैं, 1:45. तो अब हम लंच करेंगे, उसके बाद हम आगे एक्सप्लोर करेंगे. तो चलिए देखते हैं लंच में क्या है, क्योंकि लंच यहाँ पे फ्री है. फ्री क्या, बीच में टिकट के बीच में पैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर पार्क नहीं है आज, इसलिए चलो. So first of all, in Chinese, I got the noodles and Manchurian. So after having a meal, I am going to take this beautiful coffee. So Rohit had decided to take rail gaadi, train, and humne lunch kar liya hai. Lunch was quite good, Chinese bhi tha, Indian bhi tha, so I have taken both. And nahi to sir, to ab jo hai ye train lene wale hain, train wali ride. So let's start. Anandita, सो गाइज, ये है वाटर पार्क एंड रोहित ने मुझे बताया कि एक और नई राइड जो है ये लगाने वाले हैं इन समर्स. तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी आई थिंक, तो वाटर पार्क तो फिलहाल बंद था क्योंकि विंटर थी, तो समहाउ हम कैप्चर कर सके इसको. एंड ये बैक साइड ऑफ वंडरलैंड साथ ही में था, तो ये भी हमने कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर की, तो हमने इसे भी आपके साथ शेयर किया है. पता है कि यहाँ पे कल रिसेप्शन पार्टी हुई हो, सो पूरा सेटअप लगा हुआ है, अच्छा सुंदर सा सेटअप किया हुआ था, बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ था. आप देख सकते हैं क्लियरली कितने अच्छे इनकी डेकोरेशन थी यहाँ पे. सो आई एब्सोल्युटली लव दिस डेकोरेशन एंड बोटिंग वाली साइड भी जैसे डेकोरेट किया हुआ था. सो हमने नजर था यहाँ पे जो ये इट्स आर्टिफिशियल ग्रास, इट्स नॉट अ रियल ग्रास एंड इस पर तेल वगैरह भी नहीं गिरा हुआ, पानी मतलब नहीं गिरा हुआ. तो नजीता वहाँ पे अपना इन्जॉय करिए, हमने उसको छोड़ दिया थोड़ा बिकॉज थोड़ा क्रैंकी हो रही थी बेबी कैरियर में एंड शी वांट्स टू प्ले हर सेल्फ. तो हमने उसको छोड़ दिया है, तो बस वो खेल रही है, हम 10-15 मिनट यहाँ पर. सो गाइज, नाउ जो है मेरी हस्बैंड ने आगे जो है शूट किया था वीडियो को, सो ही वॉज टेकिंग राइड एंड मैं इस झूले पे नहीं गई थी क्योंकि मेरे साथ अनंदिता थी एंड वी कांट अफोर्ड कि हम इतने बड़े मतलब झूले पे यहाँ पे लेके आते.
और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे देखिए आसपास कितना अच्छा गांव है, मतलब ये सारा विलेज एरिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा वंडरलैंड जो है हटके है रोड से, बहुत ही काम एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आप आओगे आप बहुत ही इंजॉय करोगे। आप देख सकते हैं साथ में विलेज में जितने भी गांव हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। एंड वो बैक टू बैक जो है जितने भी, मैं राइड्स नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे वैसे भी थोड़ा डर लगता है तो, बट ही वॉज इन क्वाइट इंजॉइंग और इन्होंने पूरे जो हैं राइड्स लिए। एंड मैंने उनको बोल दिया था कि आप प्लीज़ शूट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे वो मुझे बता भी रहे थे कि इस झूले पे उनको इतना ज़्यादा वो वॉमिट फील हो रहा था बिकॉज ये झूला बहुत ज़्यादा चल रहा था। रोहित डिसाइडेड टू टेक ब्रेक डांस राइट, सो नाउ ही विल टेक ब्रेक डांस राइट। यहाँ पे ये जो डायनासोर वाली राइड लेने वाले हैं, एंड आपको अगर आपने ये राइड ली होगी या फिर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये इतनी ज़्यादा तेज चलती है एंड इसे लेना बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क इन द सेंस, मतलब सिक्योरिटी वाइज को रिस्क नहीं है क्योंकि ये अच्छे से बेल्ट आपको लगाने की इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है बहुत ही अच्छा है। एंड आपने कई झूलों पर देखा, कुछ राइड्स में आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी कम हैं, उसका रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि विंटर्स है पहली बात। सेकंड चीज़ ये है कि ये जो है राइड्स अगर दो या तीन बंदे भी हो तो भी चलाते हैं, ये कभी ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत सारे इकट्ठे होने चाहिए तभी आएंगे, तो हर बंदे की अपनी मर्जी है, जब मर्जी आप ये इनके राइड्स जो है इंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये राइड इंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत तेज़ चलती है। तो यहाँ पे जब ये सारा कुछ शूट कर रहे थे, राइड्स ले रहे थे, मीनवाइल मैं और अनंदिता जो है रिलैक्स कर रहे थे। अनंदिता जो है जस्ट आफ्टर लंच, जैसे ही हमने लंच किया उसके बाद वो सो गई थी, तो मुझे वहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट में ही उसे एक जगह पे सुला दिया था और मैं भी साथ ही बैठ गई थी एंड मैंने कॉफ़ी पी एंड इंजॉय किया, थोड़ा रिलैक्स किया क्योंकि इससे एक दिन पहले हम जो है रंगला पंजाब हमने जो एक्सप्लोर किया था, अगर वहाँ की वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पर लिंक लगा दूँगी आई बटन पर एंड स्क्रीन में भी, या उन दोनों ही वीडियोस का जो है लिंक जो है आपको दे दूंगी बिकॉज वो दो पार्ट्स हैं वहाँ की वीडियो के एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, आप ज़रूर वहाँ पे जाइएगा। एंड स्पेशली जो उन्होंने प्रोग्राम रखा होता है वो बहुत अच्छा था एंड रंगला पंजाब की जो थाली थी, मतलब जो वहाँ पे फूड था वो मतलब एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये कुछ एरिया वहाँ का मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे
मतलब आपको बताया था कि जैसे फंक्शन था, कोई मैरिज फंक्शन था, तो वहाँ की इन्होंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। एंड मतलब इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन थी यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन थी। और मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यहाँ पे शायद रिसेप्शन हो चुकी है, बट नहीं, अभी रिसेप्शन होनी थी या कोई जो भी फंक्शन था वो अभी होने वाला था। सो ये जो सुबह से ही इसे डेकोरेट कर रहे थे, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकी अच्छी डेकोरेशन लगी। तो जलंधर में जो रहने वाले लोग हैं वो तो डेफिनेटली यहाँ पे रिसेप्शन या फिर ऐसा कुछ वेडिंग वगैरह का जो है अपना प्लान आउट कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी। एंड ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही, मतलब ऐसा एक रॉयल मतलब फीलिंग आ रही थी यहाँ पे देख के, कि कितना मतलब रॉयल है, बहुत ही ज़्यादा रॉयल टच था यहाँ पे। और कर्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग वाज एट इन द प्रॉपर साइट, एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अभी तो ये प्रॉपर डेकोरेशन हुई भी नहीं थी, अभी हो रही थी। तो ये जो है इस साइड रेस्टोरेंट है, इस ये रेस्टोरेंट की बैक साइड है, और ये देखिए डेकोरेशन। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत और डिटेलिंग्स जो हैं ये अभी तैयार कर रहे थे, और कुछ काफ़ी कुछ कर रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बाद इनकी ये जो है एक राइड रह गई थी, ये बोल रहे थे कि मेरे को ये वाली राइड लेनी है, और ये राइड जो है मुझे थोड़ी सी खतरनाक लगती है, बिकॉज ये तो मतलब ऐसा हो जाता है कि इंसान हवा में ही जैसे मतलब झूलता हुआ नज़र आता है दूर से। ये देखिए कितना फास्ट, ये अभी धीरे है और धीरे धीरे मतलब ये इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एंड इससे पहले भी है वंडरलैंड का जो मैंने ब्लॉग जो है मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, क्योंकि इसका पार्ट वन जो पहले आ चुका है, ये पार्ट टू है। सो अगर आपने वो मिस कर दिया तो प्लीज़ उससे भी देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका है। एंड मैं पीछे बिल्कुल इसको म्यूट कर दिया है इस वीडियो को, बिकॉज इसमें इतनी चीखें मारी थे सब जने, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने फन किया। एंड इसके बाद जो है जब इन्होंने मतलब ये राइड ले ली, इसके बाद हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, बिकॉज ये भी थक चुके थे, रोहित भी थक चुके थे, एंड ये बोटिंग एरिया। सो अब हम आपको टाटा बाय बाय करते हैं, एंड मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। इससे पहले वाले व्लॉग्स को जरूर देखिएगा, ज्योति मार्केट की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उसके बाद हम वहाँ फिर से दोबारा गए थे। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग की तक के लिए हम आपसे बाय बाय करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।